मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़का टॉम था और उसके साथ उसकी सिस्टर भी वहाँ पर आई हुई थी। उन सब फ्रेंड्स को कहीं से एक गेम मिली थी और इस गेम का नाम था गेम ऑफ डेथ। ये लोग सिटी से काफी दूर अपने एक फ्रेंड्स के घर में पार्टी करने के लिए आए थे। उनमें से एक फ्रेंड इस गेम के रूल्स पढ़ता है। गेम के सारे रूल्स एक कार्ड पर मेंशन थे। गेम के एक रूल के अकॉर्डिंग थोड़े टाइम के अंदर या तो आपने खुद को मारना होगा और अगर आपने खुद को ना मारा तो किसी और को मारना कंपलसरी हो जाएगा। सबसे लास्ट में जो जिंदा बचेगा यानी जो इस गेम का सर्वाइवर होगा वो इस गेम को विन कर लेगा। इसके बाद वो सब फ्रेंड्स इस गेम को खेलने लगते हैं। वो सब अपनी अपनी फिंगर्स गेम पर रख देते हैं और स्टार्ट बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे ही ये गेम स्टार्ट होती है वो गेम सब लोगों के खून का एक ड्रॉप लेती है और बस इसके बाद ये गेम स्टार्ट हो जाती है और गेम काउंटर पर 24 लिखा हुआ आ रहा था। लेकिन टॉम की सिस्टर इस गेम के और रूल्स को पढ़ने लगती है। उस गेम का एक रूल ये भी था कि अगर आपने टाइम के अंदर किसी को ना मारा तो वो गेम खुद ही किसी को मार डालेगी, यानी वो गेम किसी को चूज करेगी और उसे मार डालेगी और ये गेम तब खत्म होगी जब गेम काउंटिंग पर 0 लिखा हुआ आएगा और सबको मारकर जो आखिरी प्लेयर बचेगा डेफिनेटली वो इस गेम का विनर होगा। और अगर आपने इस गेम को एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। और इस गेम का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि या मारो या फिर मर जाओ। लेकिन कोई भी फ्रेंड इस गेम को सीरियस नहीं ले रहा था, वो इस गेम को अभी तक काइंड ऑफ फ्रेंड समझ रहे थे। तभी इन फ्रेंड में एक लड़का जिसका नाम टेलर होता है वो उस गेम को अधूरा छोड़कर बाहर आ जाता है। तब टेलर के साथ उसके बाकी फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं। फिर उनमें से एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को वाइन पिलाने की कोशिश करता है जिसके बाद उस फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है। उनका वो फ्रेंड उन्हें बताता है कि मुझे हेडेक हो रहा है और तभी उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो सारे फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं और डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। जबकि टॉम और उसकी सिस्टर अंदर गेम के पास बैठे हुए थे। उनकी उस फ्रेंड की मौत के बाद गेम काउंटिंग पर एक नंबर कम आता है। तब उन फ्रेंड्स में टेलर अपने बाकी फ्रेंड्स को अंदर आने के लिए कहता है। वो सभी फ्रेंड्स जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर से कोई उन्हें शूट कर रहा है। तब टॉम और उसकी सिस्टर विंडो के जरिए बाहर देखते हैं कि कहीं उन पर कोई नजर तो नहीं लग रहा, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन टेलर का मानना था कि जरूर बाहर कोई शूटर मौजूद है जिसके हाथ में गन है और वो हमें शूट करना चाह रहा है। फिर उन लोगों को अपने दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जब टॉम को रियलाइज होता है कि बाहर कोई है तो वो अपनी गन निकाल लेता है और टॉम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है। तब टॉम जबरदस्ती उस बूढ़े आदमी को अंदर खींच लेता है। टॉम उस बूढ़े आदमी पर गन पॉइंट करके उसे उसका नाम पूछता है और उससे ये भी पूछता है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है और तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बूढ़े आदमी ने हमारे फ्रेंड को शूट किया है। तब वो आदमी कहता है कि बेटा मैं तो तुम्हारी नेबरहुड से आया हूँ, मैंने तुम लोगों की चीखें सुनी और मुझे लगा कि तुम लोग मुसीबत में हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारी हेल्प के लिए। मेरा यहाँ पर आने का मकसद ना तो तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाना है और ना ही मारना है। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों पर कोई भी बिलीव करने को तैयार था ही नहीं और तभी उनकी एक और फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है। उसे भी सेम अपने फ्रेंड की तरह हेडेक होता है और तभी उसका सर भी ब्लास्ट हो जाता है और वो भी मर जाता है। वो सारे फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के खून से भर जाते हैं। वो लोग अब पूरी तरह डर जाते हैं और सहम जाते हैं। उनकी फीमेल फ्रेंड पुलिस को कॉल करती है और उन्हें अपनी लोकेशन बताती है। वो बताती है कि हम मुसीबत में हैं और जल्दी से यहाँ पर आ जाइए हमारी हेल्प के लिए। टॉम उस गेम को चेक करने के लिए उसके पास जाता है। वो सबको बताता है कि ये गेम रियल है और इसके सारे रूल्स भी बिल्कुल करेक्ट हैं। जैसा रूल्स में कहा गया था ये बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल ठीक काम करती है, क्योंकि जब ये गेम स्टार्ट हुई थी तो गेम काउंटिंग पर 24 लिखा हुआ था और अब क्योंकि हमारे दो फ्रेंड्स मर चुके हैं तो गेम काउंटिंग पर 22 लिखा हुआ आ रहा है। टॉम की सिस्टर की बातें सुनकर काफी शॉक्ड रह जाती है। ये सारी बातें सुनकर टेलर इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो गेम उससे नहीं टूट पाती। टॉम फिर सब लोगों को बताता है कि मैं इस बूढ़े आदमी को मारने जा रहा हूँ क्योंकि गेम के अकॉर्डिंग किसी को तो मरना ही है और अगर मैं अपनी जगह इसे मार दूंगा तो मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। ये कहते ही टॉम उस बूढ़े आदमी को शूट करके मार डालता है। इसी के साथ ही गेम काउंटिंग पर एक और नंबर कम हो जाता है। टॉम अपने बाकी फ्रेंड्स को वहां से चलने के लिए बोलता है लेकिन टॉम की सिस्टर जाते जाते उस गेम को भी अपने साथ ले लेती है। फिर वो सब टेलर की गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तभी उन लोगों की गाड़ी के सामने से पुलिस गाड़ी आ रही होती है, इसीलिए उनकी एक फीमेल फ्रेंड उन्हें वापस चलने के लिए बोलती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। टॉम कहता है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें टोटल 21 लोगों को मारना होगा क्योंकि गेम काउंटिंग पर 21 लिखा हुआ आ रहा था। तब उनकी एक फीमेल फ्रेंड कहती है कि मैं किसी बेकसूर किसी इनोसेंट इंसान को नहीं मार सकती। तब सडन उनकी गाड़ी के आगे एक लड़का आ जाता है लेकिन टेलर बिल्कुल ठीक वक्त पर ब्रेक लगा लेता है। लेकिन टॉम टेलर पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि उस लड़के को जल्दी से हिट करो। तब गन देकर और अपनी जान बचाने के लिए टेलर ऐसा ही करता है और वो उस लड़के को गाड़ी से हिट कर देता है लेकिन गेम से कोई भी आवाज नहीं आती, यानी गेम पर नंबर कम नहीं होता। इसका मतलब ये था कि वो लड़का अभी मारा नहीं है बल्कि अभी वो जिंदा है, इसीलिए टॉम टेलर को कहता है कि वो गाड़ी को रिवर्स करे। तब टेलर ऐसा ही करता है और वो गाड़ी को रिवर्स करता है लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़का नहीं मरता। तब उस लड़के को मारने के लिए टॉम खुद गाड़ी से बाहर आ जाता है और वो उस लड़के को शूट कर देता है। यहाँ पर हम उस लड़के की डेड बॉडी को भी देखते हैं जिसका काफी बुरा हाल था। तभी एक लेडी भागते हुए उन लोगों की तरफ ही आ रही थी। तब टॉम उस पर भी गोलियां चलाने लगता है लेकिन किसी तरह वो लेडी अपनी जान बचा कर वहां से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो लेडी गिर जाती है। टॉम अपनी सिस्टर को गन देकर कहता है कि इस लेडी को शूट कर दो, जिस पर टॉम की
सिस्टर कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती, ऐसा मुझसे नहीं होगा। तब टॉम अपनी सिस्टर के हाथ से रोगन लेकर खुद उस लेडी को शूट करके मार डालता है। तभी उन फ्रेंड्स में टेलर और एशली टॉम को ये सब करने के लिए मना करते हैं। वो टॉम को काफी समझाते हैं कि देखो ये सब कुछ करना बंद कर दो, इनोसेंट और बेकसूर लोगों को मारना कोई अच्छी बात नहीं होती। वो लोग गाड़ी से बाहर रोड पर खड़े होकर ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी में उनकी फीमेल फ्रेंड अभी तक बैठी होती है। तभी उन लोगों के पास एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आती है जिसके हाथ में गन थी। वो पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी को रोक लेती है और उन लोगों के पास आ जाती है। फिर वो उन लोगों से पूछती है कि क्या आप लोग ठीक है ना। तब एशली बोलती है कि हमारी गाड़ी एक हिरन से टकरा गई थी जिससे वो हिरन मर गई, लेकिन हम लोग ठीक है। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि हिरन कहां पर है, जिस पर टेलर कहता है कि हमने तो उसे झाड़ियों में फेंक दिया है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उनकी वो फीमेल फ्रेंड जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। तब वो पुलिस ऑफिसर अपनी बंदूक उन लोगों पर तान देती है और एकदम अलर्ट हो जाती है। टॉम अपनी गन से उस पुलिस ऑफिसर पर फायर करता है, लेकिन एशली टॉम को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। तब टॉम एशली को गन पॉइंट पर लेकर उस पुलिस ऑफिसर को रोकता है। फिर टॉम अपनी सिस्टर को लेकर टेलर की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है, जबकि एशली और टेलर उस पुलिस ऑफिसर के साथ होते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर रेडियो के जरिए मैसेज भेजती है और हेल्प मंगवाती है, और तभी अचानक से टेलर को भी हेडेक होने लगता है। और तभी टेलर की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है, उसको भी हेडेक हो रहा था। उस पुलिस ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है और उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो पुलिस ऑफिसर टेलर की हेल्प भी करना चाहती थी, लेकिन एशली तो सब कुछ जानती थी। वो जानती थी कि अगर किसी को मार दिया जाए तो आपकी जान बच सकती है, इसीलिए वो उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देती है जिससे टेलर की जान बच जाती है। फिर एशली और टेलर उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी और गन लेकर वहां से चले जाते हैं। जो गाड़ी टॉम और उसकी सिस्टर लेकर भागी थी वो असल में टेलर की थी, जिसमें जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ था। इसीलिए टेलर अपने एक फ्रेंड को कॉल करके अपनी गाड़ी की लोकेशन पता करवा लेता है। एशली जो कि मासूम और बेकसूर लोगों को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो खुद को सेक्रीफाइस करके इस गेम को ही खत्म करना चाहती थी। और टेलर भी एशली की तरह एक रहमदिल इंसान था, वो भी ऐसा नहीं चाहता था कि वो मासूम लोगों को मारे, और वो भी खुद को सेक्रीफाइस करना चाहता था इस गेम को खत्म करने के लिए। लेकिन उन लोगों को टॉम और उसकी सिस्टर के नेचर के बारे में भी पता चलता था कि वो दोनों सिबलिंग्स बहुत ज्यादा खुदगर्ज हैं और वो अपनी जान दूसरों तो कभी भी नहीं देंगे, बल्कि वो दूसरों को ही मार डालेंगे। इसीलिए वो लोग उन लोगों को मार डालने के लिए उनका पीछा करते हैं। फिर टॉम और उसकी सिस्टर एक हॉस्पिटल में जाते हैं। वो हॉस्पिटल में जाकर बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं, क्योंकि वो लोगों को मार कर गेम काउंटिंग पर जीरो लाना चाहते थे, जिससे ऐसा हो कि उनके बजाय दूसरे लोग मर जाए और उनकी जान बच जाए। लेकिन उन लोगों का पीछा करते करते एशली और टेलर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एक छोटी लड़की थी जो कि पेशेंट थी, और वो कहीं पर जा रही होती है, और तभी टॉम की सिस्टर उसके सामने गन लेकर आ जाती है। उन्हें उस छोटी लड़की पर भी रहम नहीं आता और वो उसे भी मारने लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त एशली और टेलर भी वहां पर आ जाते हैं। तब एशली टॉम की सिस्टर को गन नीचे करने के लिए बोलती है, लेकिन टॉम की सिस्टर उसकी ये बात नहीं मानती। तब एशली कहती है कि देखो वो छोटी बच्ची है, मासूम है, तुम उसे छोड़ दो और मुझे मार डालो। टॉम की सिस्टर जब एशली की ये बात सुनती है तो वो उसकी तरफ देखती है, और ठीक उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर एशली टॉम की सिस्टर को मार डालती है। फिर एशली और टेलर उस छोटी लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं। इतनी देर में पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। टॉम जब अपनी सिस्टर को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। तभी एशली और टेलर भी वहां टॉम के पास आ जाते हैं। तो वो लोग टॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बेकसूर लोगों को नहीं मार सकते, जिस पर टॉम कहता है कि हम लोग भी तो बेकसूर है, मासूम है, हमने किसी को ना मारा तो हम इस गेम के हाथों मारे जाएंगे। और ये कहते ही टॉम नीचे से अपनी गन उठाने लगता है, लेकिन तभी टेलर टॉम को ऐसा करने से रोक लेता है और उसे शूट करके मार डालता है। और यहाँ पर टॉम का भी काम तमाम हो जाता है जो सबको मार रहा था। अब गेम काउंटिंग पर सिर्फ एक लिखा आता है, यानी अब सिर्फ एक इंसान के मरने की बारी है, और वहां पर दो लोग थे, एशली और टेलर। लेकिन तभी अचानक से एशली को कुछ हो जाता है और वो यहाँ पर खुद गर्जी का मुजाहिरा करती है। वो टेलर को 3 बार शूट कर देती है जिससे टेलर मर जाता है। अब क्योंकि एशली इस गेम की सर्वाइवर थी तो वो इस गेम को जीत लेती है, लेकिन इतनी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है और वो एशली को पकड़ लेती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर को वही गेम गिफ्ट दे रहा था। और बस इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।